हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लॉकडाउन 21 पर बुलंदशहर प्रशासन की तैयारी पूरी, गरीब असहायों को खाद्य सामग्री वितरण करेगा प्रशासन। सिकंदराबाद एसडीएम का दावा, लॉकडाउन के दौरान किसी गरीब को नहीं रहने दिया जाएगा भूखा। एसडीएम का दावा, अब से पहले भी 120 पैकेट किए जा चुके हैं वितरण। मैंने जो है सिकंदराबाद में विभिन्न व्यापारियों के मदद से, जो लोग हमारे जो है प्रशासन के मित्र के रूप में उनको मैंने चिन्हित किया है, उनके माध्यम से जो है पिछले दिनों मेरे द्वारा जो है 125 लगभग पैकेट का वितरण कराया गया था और वर्तमान में हमने 500 पैकेट तैयार किए हैं, जिसमें 1 किलो दाल, 2 किलो चावल, 5 किलो आटा और 5 किलो जो है आलू रहेगा। और मैंने जो है जो भी हेल्पलाइन नंबर हमारा है, हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, तहसीलदार साहब का नंबर है, मेरा नंबर है, इस सब पे व्हाट्सएप नंबर ही है। ये जो भी व्यक्ति कहीं से भी, अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, पत्रकार बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि कहीं अगर आपको इस तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं जिनको कि खाने पीने की असुविधा है, वो कृपया हमारे इन नंबरों पे हमको सूचित कर सकते हैं। हम तत्काल अपनी टीम भेजकर, हमारे नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक अच्छी टीम वर्तमान में काम कर रही है, जिसमें खाद्य निरीक्षक से लेकर मंडी सचिव इत्यादि लोग हैं और उसमें राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के भी शामिल हैं। ये तुरंत तत्काल मौके पर जाकर उसका इंस्पेक्शन करेंगे और मुझे सूचित करेंगे और सेम डे मैं उसको वितरण कराना सुनिश्चित करूंगा। किसी तरह की जो है परेशानी सिकंदराबाद की जनता को मैं नहीं होने दूंगा। एसडीएम का दावा, सिकंदराबाद प्रशासन के पास अभी भी 500 पैकेट बाकी। कई प्रकार से प्रशासन पात्रों की सूची कर रहा तैयार। पैकेट में 1 किलो दाल, 5 किलो आटा, 5 किलो आलू और 2 किलो चावल किए जा रहे हैं वितरण। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।